अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ीशान फ्रॉम टेक्निकल जी। और आज की वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, खास करके जो हमारे ब्लॉगर्स हैं या जो डेली वीडियोस बनाते हैं और वो अपनी वीडियोस को लाना चाहते हैं रैंकिंग पे, या जो रिसेंटली अपलोडेड वीडियो है उस पर व्यूज़ लाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बेस्ट होने वाली। क्योंकि आज की वीडियो में जो चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ ना, वो आपने देखी होगी लेकिन आपने सर्च भी की होगी, आपको वो चीज़ मिली नहीं होगी। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है एंड स्क्रीन। आप अगर देखते हो किसी भी ब्लॉगर का ब्लॉग, मतलब खास कर ये सारी चीज़ें ब्लॉग्स में होती हैं, ब्लॉग्स हो गई या आप किसी प्रोफेशनल बंदे के ब्लॉग्स देख रहे हो, उसकी कोई भी आप पुरानी वीडियो उठा लेते हो और वहाँ पर आप देखते हो कि वहाँ पर जो लिंक दिए गया है एंड स्क्रीन में, जो वीडियो दी गई है वो उसकी जो रिसेंटली अपलोडेड वीडियो है वो आ रही होती है। मतलब उसकी अगर आप एक महीने पहले की भी वीडियो पे अगर आप चले जाओ तो वहाँ पर भी वही वीडियो आई होगी जो उसने कोई एक घंटा दो घंटा पहले अपलोड की होगी। अगर उसने कल कोई वीडियो अपलोड की है तो उस पर भी वही एंड स्क्रीन आ रहा होगा जो अभी की वीडियो की, आप मतलब समझे कि एक घंटा पहले की जो वीडियो, वो मतलब कैसे होता है। आप अभी समझोगे यार सारी वीडियोस में जाकर हमें जो है ना ये लगाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है, जाएँ फिर लिंक कॉपी पेस्ट करें या वहाँ से जाके वीडियो सेलेक्ट करें, ये सारी चीज़ें करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊँ, क्योंकि मैंने खुद ने ये ट्राई किया, मैंने थोड़ा रिसर्च मारी, मुझे नहीं मिला लेकिन मैंने खुद से ट्राई किया और मुझे ईजिएस्ट वे पता चल गया। आप चाहें तो अपनी 100 की 100 वीडियोस में, जो आपकी पुरानी वीडियोस हैं उसके एंड स्क्रीन में आप जाके लगा सकते हो अपनी जो नई वीडियो जिस पर आप व्यूज़ लाना चाहते हो वो वाली वीडियो। मतलब इन फ्यूचर अगर आपके कोई भी बंदा कोई पुरानी वीडियो चला लेता है तो एंड में आपकी वही वीडियो आएगी जो आपने अभी एक घंटे पहले अपलोड की। नहीं तो ऐसे होता है ना कि आपने जो एक महीने पहले आपने वीडियो कोई अपलोड किया तो उस पर आपने सिर्फ वही वीडियो एंड स्क्रीन लगाई जो एक महीना एक दिन पहले की वीडियो होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वीडियो के एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, उसके अलावा वीडियो एंड तक देखो क्योंकि भैया वॉच टाइम चाहिए, छोड़ो मतलब कि वॉच टाइम दे दो यार अब भाई को, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जी सबसे पहले आपने जाना है अपने गूगल क्रोम में, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि भैया ये हमारा चैनल जी ब्लॉग्स जिस पे हम ब्लॉगिंग करते हैं। बाय द वे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उसके बाद अभी आते हैं सीधा पॉइंट पर। तो आपने करना है क्या है कि अपने सीधा जो आपका लोगो आ रहा होगा साइड में, तो वहाँ पर जाके आपने सीधा योर चैनल पर क्लिक करना है। तो उसके बाद आपने जाके सिंपली करना क्या है कि किसी भी एक वीडियो पर जहाँ पर आपको एक पेंसिल का निशान दिख रहा है तो आपने सिंपली वहाँ पर क्लिक करना है, ठीक हो गया। अब जैसे आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपने सारे जो भी अगर बहुत मतलब कि टाइटल वगैरह जो भी चेंज करें, डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, अपने कुछ भी अपडेट करना है तो वो सारी चीज़ें ज़्यादा आपको पता होगा। आपको यहाँ पर एंड स्क्रीन दिख रहा होगा, वहाँ पर एक पेन का साइन होगा, उस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपके कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। तो उसके बाद अभी देखें कि आपने क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ जो एंड स्क्रीन है जो मेरे लास्ट वीडियो मैंने भी वो काम किया हुआ है, ठीक है। अब वो कैसे करना है तो सबसे पहले जो आपके ऊपर यहाँ पर जहाँ पर एक ये ट्यूब बड़े एक साइन दिख रहा है तो यहाँ पर आपको इसके साथ कुछ भी नहीं दिख रहा। तो अभी करना क्या कि जो आपके पहले सिलेक्ट हुए हुए चीज़ें तो उन्होंने उनको एक एक को सिलेक्ट करके आपने डिलीट का बटन दबाना कीबोर्ड से, ठीक है। अब जैसे कि मैं अभी करूँगा, इसको डिलीट कर दिया मैंने और ये तीनों डिलीट। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक साइड में एक इम्पोर्ट फ्रॉम वीडियो। अब किसी भी वीडियो पे अगर आपने ये चीज़ लगाई होगी तो उससे इम्पोर्ट, जैसे आप उस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो उसका जो भी एंड स्क्रीन होगा वो आपकी इस वीडियो पर आ जाएगा। अब इस पर जो रेड का साइन दिख रहा है वो इस वजह से दिख रहा है क्योंकि जिस वीडियो पे मैं लगा रहा हूँ तो वो एंड स्क्रीन पे लगा हुआ, तो इस वजह से ये साइन बताता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो वीडियो की समझ में आई होगी, अगर नहीं समझ में आई तो नीचे कमेंट कर दीजिए। इसमें ये है कि आपने फिर दूसरी वीडियोज़ में कैसे लगाना है, पॉइंट ये है कि आपने ज़्यादा मेहनत नहीं करनी और दूसरी वीडियोज़ में कैसे, जैसे आपको साइड में ये सारी वीडियोज़ दिख रही हैं आपने एक एक करके क्लिक करते जाना और यहाँ पर एंड स्क्रीन आपने सिलेक्ट करते जाना एक एक क्लिक करके। मतलब कि आपको अब तकरीबन 10 मिनट में मेरे ख्याल से, नहीं भी नहीं, आप 10 मिनट में कोई 15 से 20 वीडियोस पे ये लगा सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। और हम इस बार एम करते हैं 100 लाइक का टारगेट रखते हैं, इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। भैया देखो टारगेट बंदा रखे पूरा करना तो अब देखो हो जाता है, होने को सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो एनीवेज अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, उसके अलावा मेरे चैनल को तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके अलावा भैया आपके भाई ने टेंड करवा लिया, शायद आपको पता नहीं है, मेरी वीडियोस जाके देखो आपको पता चल जाएगा। मेरा ब्लॉग आया हुआ है वो ऊपर जाके जो आपको लिंक आ रहा है उस पर जाके क्लिक कीजिए और मेरा ब्लॉग जाके देखिए। और उसके अलावा आपका भाई रोस्टिंग भी करता है, शायद आपको पता नहीं है, मतलब कि 18 प्लस चैनल है। अब देखो कितना शरीफाना अंदाज में, मौजिज़ाना अंदाज में आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन मैं हकीकत में हूँ ऐसा, लेकिन कभी कभी थोड़ा इधर उधर निकल जाना। तो उसका रोस्ट जो है वो जिसको मैंने रोस्ट किया है वो भी थोड़ा खतरनाक किस्म का है। ऊपर आई बटन में इधर या इधर लिंक आ रहा होगा वो भी जाके लाजमी से देखिए, या तो एंड स्क्रीन में मेरी वीडियो आ रही होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।